click on it. हाँ, टेक्निकल काम कर रहे हैं।
वो अलग Thank you.
पहली बार मैंने सुना है पूरी एक्टिविटी छोड़ रहा होगा, पूरी एक्टिविटी छोड़ रहा होगी। तो सबसे पहले ब्रेक जाता है शंभुराज जी को सभी ऊपर चलो दास सभी आप लोग सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर पधारे हुए हैं और हम सभी आर्टिस्ट और सभी सीनियर और हमारे सर के विलेज जो आप देख रहे हैं सारे हैं जी, वो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने काफी बहुत सारे जो है उनके पार्टिसिपेट के हिसाब से बहुत सारी हेल्प भी दिए हुए हैं। हर साइड से हमें उनके अलग अलग से अलग अलग कामों के बारे में और दूसरे से हमने होना भी चाहिए। इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, बहुत हेल्प भी किया है। इनको मैं बहुत भाई बधाई देता हूँ जैसे आपको। और गोयल साहब हमारे इतने पूरी समय को निकाल के यहाँ पे आए हुए हमारे आर्टिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए, इनके मैं बहुत बहुत गुजार हूँ। और इनके साथ ऑल टीम हमारे भाई साहब हमारे मेहमानी के हैं, रवीश कुमार सभी भाई जो है हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट को भी कभी कभी यहाँ पर आते हैं। और मेरे साथ जहाँ पर गोयल साहब ने एडमिशन देख लिए ना, तो व्यू वर्ड फ्रॉम गोयल साहब अबाउट का 8 वर्ष। गुड इवनिंग एंड आई वेलकम एवरीबॉडी देयर आर्टिस्ट एंड आर्ट लवर्स ऑल्सो। व्हेन शंभुनाथ गोस्वामी जी अप्रोच मी फॉर द इनोग्रेशन ऑफ द दिस एग्जीबिशन, आई हैप्पीली अग्री फॉर द टू इनोग्रेट द एग्जीबिशन बिकॉज I am also an art lover. So I am not an artist, but I am also an art lover. And I think some of the artists are very good friend of mine. And Mr. Kaji is saying that the whole exhibition was sold out in the hall class, and the credit goes to Mr. Shambhunath and the artist. Actually, the credit goes to nowadays people are more and more in looking after this artwork. मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आज इतने आर्टिस्टों के बीच में आया हूँ। 20 से ज्यादा आर्टिस्टों के लिए एग्जीबिशन है और शंभुनाथ जी ब्रोशर भी बहुत अच्छा डिजाइन हो रहा है। एक ब्रोशर ऐसा है जिसको अपने रिजर्व करके आदमी रखना चाहता है और मैंने आर्टिस्टों के काम को देखा है। अभी आजकल हम एक हवेली बना रहे हैं चांदी चौक 200 साल पुराना, वो भी एक आर्ट वर्क देखने वाला होगा जब वो पब्लिक के सामने आए। और उसमें भी हम एक म्यूजियम बना रहे हैं जहां आप जैसे आर्टिस्टों को जगह मिलेगी कि लोग उसको एग्जीबिट कर सकते हैं। जैसे आगरा में अंदर ताज है, जैसे आगरा में ताज है ऐसे दिल्ली के अंदर वो सिंपल मिल जाए। वो हमारी पुश्तैनी हवेली है जिसके ऊपर हम पिछले 6 साल से मेहनत से काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक्सपी के अंदर, तो जिन्हें जो दिल में वो है आर्ट रहती है, पॉलिटिक्स बाहर रहती है, दिल के अंदर रहती है आर्ट। इसलिए जब भी मुझे ऐसा कोई अवसर मिलता है चांदी चौक रहता है, वॉल सिटी रहती है, उसका असर है। तो जब भी मुझे कोई ऐसा मौका मिलता है तो मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। मेरी एक तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर पार्लियामेंट था आपने प्रोग्राम किया था चांदी चौक में 14वीं का चांद था, वो इतना सुपर हिट गया था और हम तो छोटे थे, लेकिन आगे देखा जाए अगर कुछ और भी करा। बस अब इस तरीके का ही काम हम शुरू कर रहे हैं। जो हवेली है वो उसी तरह का काम है कि फिर हवेली पूरा जो धर्मपुरा क्षेत्र है जामा मस्जिद के चारों तरफ उसको हम कलम करते हैं। और वो चांदी का चांद जो हमने किया था एक रात को 5 लाख लोग आए थे देखने के लिए, तब ये छोटे से बच्चे थे उन्होंने भी देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जो हमारे बोल साहब एक मेहमान दे रहे
अभी एक दिन की एग्जीबिशन लगानी है और कोई जगह ना मिले तो वही घर पे लगा लेंगे। घर इतना बड़ा है तो एक दिन के लिए तो मैं दे सकता हूँ, एग्जीबिशन लगाना शो करना हो तो वहाँ पे तो 100 आर्टिस्ट समा जाएंगे। आपको हवेली के लिए जो आर्टिस्टिक सपोर्ट चाहिए, जो आर्टिस्टिक व्यू चाहिए, हम चाहेंगे आप हमें इन्वाइट करें, हम आए आपके हवेली में कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन। हवेली में तो काम हो जाए नहीं कुछ भी आपसे आपका जो काम होगा वो बिल्कुल बिल्कुल। अब तो सड़कों पे अगर आर्टिस्टों को बनाना हो तो कहाँ कहाँ कौन कौन पैनल बनेगा और कैसे कैसा होगा वो हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।